हिमाचल में पंचायती चुनावों के तीनों चरणों के नतीजे सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोपण का दौर हुआ शुरू। विकासखंड नालागढ़ की राजपुरा पंचायत समिति सदस्य के पद के हारे हुए उम्मीदवारों ने मीडिया को पंचायत द्वारा जारी किए गए दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि राजपुरा पंचायत समिति सदस्य की सीट SC कैटेगरी के लिए आरक्षित थी और इस सीट पर चार उम्मीदवार थे आमने सामने, जिसमें विजेता उम्मीदवार ने पटवारी और पंचायत सचिव की मिलीभगत से जाली प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा और जीत गया, जिसकी शिकायत उन्होंने नालागढ़ के SDM को चुनाव के दिन ही दे दी थी। उसके बावजूद भी चुनाव कराए गए। उन्होंने पुलिस थाने में भी शिकायत दी है। पीड़ित उम्मीदवारों ने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी अधिकारी और उम्मीदवारी आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या नाम है जी? कर्मचंद। क्या आपने भी चुनाव में हिस्सा लिया? यस सर। क्या समस्या, अब क्या करना चाहिए? ये सीट जो थी SC कोटे की थी, पर मैंने धोखाधड़ी से बनाया था सर्टिफिकेट लोहार का, जबकि इनका पूरा जो पूरा रिकॉर्ड है पुराना वो बताता है ये तखाण है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी सीट है वो ही इसका हकदार है। अब प्रशासन को शिकायत की थी आपने? हाँ, प्रशासन के पास भी गए थे हम। तो उनका क्या कहना? और उस दिन भी मिले जिस दिन काउंटिंग हो रही थी कि इसको रोक दिया जाए, पर उन्होंने बोला कि आपने 27 तारीख को आना। क्या नाम है जी? परमजीत सिंह। आपने भी इलेक्शन लड़ा था? हाँ जी। अब क्या चाह रहे हैं? अब क्या मामला क्या है? ये रिजर्व कोटे से है ना जी, तो जो जाती है लोहार जाती है उसका सर्टिफिकेट बना रखा है जाली, जाती से है। अच्छा, क्या ये लोहार जाती कौन सी कैटेगरी में आती है? लोहार जाती SC कैटेगरी में आती है, OBC में आती है तरखान। अब इन्होंने जो चुनाव लड़ा वो किस कैटेगरी से लड़ा? SC लोहार जाती। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं इलेक्शन रद्द होना चाहिए। ठीक। करना। क्या नाम है? मेरा नाम राधा कृष्ण है जी। क्या समस्या है? ये समस्या ये है सर, राजपुरा वार्ड नंबर 29 BDC पंचायत समिति में मनोज कुमार ने इलेक्शन लड़ा था जी, जिसमें उन्होंने जो ये सीट जो थी BDC राजपुरा वार्ड नंबर 29 की, वो SC रिजर्व कोटे से थी और उन्होंने वो तरखान जाति से संबंध रखते हैं जी। उनके जो दादाजी हैं लेखराम, उनके 3 बेटे हैं जी, राम गोपाल, राम शरण और रामदयाल, वो तीनों तरखान में है, जबकि लेखराम का एक बेटा राम गोपाल के परिवार में यहाँ सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी ने मिलकर वहाँ पे कटिंग करके लुहार किया गया और उन्होंने फिर ये पटवारी से रिपोर्ट करवा करके SC का सर्टिफिकेट बनवाया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो विनर रहे जी। हमने 6 तारीख को ये बात इंटीमेट अपने SDM साहब को बताई थी, लेकिन SDM साहब ने बोला कि BDO साहब के पास जाओ और BDO साहब बोले कि आप अभी इसमें कुछ नहीं होगा, टाइम निकल गया है, ये वो जी जो भी है उन्होंने हमारे को भेज दिया। अब क्या कर, अब उसके बाद दोबारा भी किया ये जी? देखो SC कोटे से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है जी, जो SC कम्युनिटी है उसका हक इन्होंने मारा है। हम चाह रहे हैं कि इसको कैंसिल किया जाए, इस इलेक्शन को कैंसिल किया जाए, इलेक्शन दोबारा किया जाए जी।